नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड मोरा सर मित्र पर। और आज हम लोग के पास आठ बड़े इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप हैं, जिनको रिलीज करने के लिए हम लोग आ चुके हैं। कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, और हम लोग इनको यहाँ जंगल में रिलीज करेंगे। ये जगह इनके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है, यहाँ पे ये लोग काफ़ी अच्छे से रह लेंगे और सर्वाइव कर लेंगे। हाँ, यहीं पे इन लोग को डिस्पैच कर छोड़ दीजिए। हम लोग देख सकते हैं काफ़ी तेज़ से फूंक मार रहे हैं। और हम लोग एक एक करके सारे सांपों को छोड़ देंगे। और इन आठ सांपों में हमारे पास दो सफ़ेद इंडियन कोबरा सांप भी हैं, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको हम लोग सफ़ेद नाक भी कहते हैं। और हम लोग उसके पीछे की जो मतलब बात है वो बताएंगे आपको, क्यों उनको सफ़ेद नाक कहा जाता है और कैसे वो क्या होते हैं एक्चुअल में, वो रियलिटी भी हम लोग बताएंगे। और आप लोग देख सकते हैं ये पहला बड़ा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप निकल आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है और डिफेंसिव भी है, अपना बचाव करने के लिए अलर्ट दिखाई दे रहा है। और ये दोनों सफ़ेद कोबरा सांप है, जिसमें से एक चला गया। आप लोग देख सकते हैं दो सफ़ेद इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा हैं। आप लोग ये क्रीम कलर की दिखाई दें, आप लोग देख सकते हैं पास से। अभी आपको पास से कैमरा जूम करके दिखाता हूँ मैं। ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके लिए हम लोग इसको रोकेंगे भी नहीं। हम लोगों ने इसकी एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की हुई, जिसको हम लोग अभी वीडियो में ऐड करके आप लोग को दिखा देंगे। क्योंकि ये रेस्क्यू रात में 3 बजे किया गया था, मतलब कि भोर के समय प्रातः 3 बजे किया गया था, और उस समय टीम उपलब्ध नहीं थी, कैमरामैन भी उपलब्ध नहीं था, तो ये रेस्क्यू ऐसे ही करना पड़ा बिना रिकॉर्डिंग के। तो हम लोगों ने इसका एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया हुआ था, जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं सामने वीडियो में। आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, नाइस इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, चमकदार और सफ़ेद दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि इसकी कोई अलग से वैरायटी है, ये लोग मतलब कि इन सांपों का रंग वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है, तो एटमॉस्फेयर के हिसाब से इसका रंग थोड़ा सफ़ेद में है। एक्चुअल में ये लोग सफ़ेद नाग होते नहीं हैं, ये लोग सामान्य स्पेक्टिकल कोबरा होते हैं, बस इन्वायरमेंट के हिसाब से इनका रंग बदला रहता है। और आप लोग बड़े वाले सांप को देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा है, अग्रेसिव दिखाई दे रहा है। और उधर हम लोग चौथे कोबरा सांप को भी छोड़ दिए हैं, ये भी जा रहा है, इसको जाने देंगे इसके वातावरण में। चौथा भी चला गया, अभी चार और सांप बाकी हैं। और देख सकते हैं ये लोग, ये कितना ज़्यादा अग्रेसिव है, बार बार अटैक करने का प्रयास कर रहा है। और हम लोगों ने यहाँ पे पांचवें सांप को भी निकाल दिया है, और पांचवा सांप भी जा रहा है, जाने दीजिए। अभी हमारे पास तीन और कोबरा सांप बाकी पड़े हैं, उनको भी हम लोग रिलीज कर देंगे यहाँ पे। यह जगह इनके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है, यहाँ पे ये लोग अच्छे से रह लेंगे। और ये छठवां कोबरा सांप भी जा चुका है, अभी दो और सांप बाकी हैं, उनको भी छोड़ देंगे। काफ़ी तेज फूंक मार रहा है, ये सातवां कोबरा सांप है, और ये भी चला गया अपने अनुकूलित वातावरण में। अभी हमारे पास बचता है आठवां और सबसे छोटा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप। ये भी काफ़ी तेज़ी से जंगल की तरफ चला गया। और इस तरह से सफलतापूर्वक हम लोगों ने आठ इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांपों को जंगल में छोड़ा, जिसको हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर में पकड़ा था। हमारे वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।